सेना आज शौर्य दिवस मना रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पीओके को लेकर के चेतावनी दी और कहा कि उसने जो अत्याचार किया है उसका अंजाम भुगतना ही होगा। कश्मीर को लेकर के आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का तीखा दौर चल रहा है। मामला है नेहरू और उनकी कश्मीर नीति। देह शिवावर हो हे शुभ कर्म ते कबहू न डरो, न डरो वाली सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आज कश्मीर शौर्य दिवस मना रहा है। 75 सालों में पहली बार इस दिन पर भारत के रक्षा मंत्री शौर्य दिवस में शामिल हुए, लेकिन इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हो गई। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को बड़ी भूल बताया और उन पर देश हित को दरकिनार करने का आरोप मढ़ दिया। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से 75 साल तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन करके रहे हैं और साथ साथ में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, देश के कितने संपत्ति, कितने हमारे रिसोर्सेस, कितने जाने चले गए उस भूल के वजह से। और ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था। ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटेड नेशंस में रखा और पाकिस्तान का लोकस क्रिएट किया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पीओके में लोगों पर अत्याचार के लिए उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। जाहिर है कांग्रेस बीजेपी के प्रहार से तिलमिलाई हुई है। पार्टी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर पलटवार करते हुए पंडित नेहरू की नीतियों का बचाव किया। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है, इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए। इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें। श्रीनगर में सेना शौर्य दिवस मना रही है। 75 साल पहले आज ही के दिन सेना ने पाकिस्तान के चंगुल से जम्मू कश्मीर को बचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।